నమస్కారం. నేను చక్రీ. వార్తలకు స్వాగతం. దేశంలో బీజేపీ జోరు ఏమాత్రం తగ్గలేదని నిన్నటి బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మరియు పలు రాష్ట్రాల ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు నిరూపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ విజయోత్సవ సభ నిర్వహించింది. ఢిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సభలో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగించారు. దేశం నలుమూలలకు బీజేపీ వ్యాపించిందన్న విషయం ఈ ఫలితాలతో అర్థమవుతుందని మోడీ అన్నారు. దేశ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్నందున ప్రజలు బీజేపీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు. హర్ పల్ నయ ఆయామకు చూమ్తా హై, नई संभावनाओं को खोजता है, फलता है, फूलता है, खिलता है. यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है. भारत की युवा पीढ़ी लोकतंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखती है. मजबूत लोकतंत्र में ही देश के नौजवान को अवसर नजर आते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति वो ज्यादा आश्वस्त रहता है. लेकिन दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां. ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है. और ये बात देश का युवा भलीभांति जानता है. परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है. दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है. परिवार की पार्टी बन के रह गई है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है. हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है. हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण बनाना है. और तभी तो देश का प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. यही तो पार्टी के लोकतंत्र की ताकत है. पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने, जहां प्रतिभा के साथ न्याय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले. मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं. देश के युवाओं से मेरा आह्वान है, वो आगे आए और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में जुट जाएं. अपने सपनों को साकार करने देश की सेवा में जुट जाएं. अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए कमल को हाथ में लेकर चल पड़े.